पक्ष ढूंढते रहते हैं जिनको वर्तमान से प्यार नहीं, विष्टि क्षितिज पर पक्ष ढूंढते रहते हैं जिनको जीवन स्वीकार नहीं। लेकिन हमें तो अपना जीवन प्यारा है, इसके लिए हमें गवर्नमेंट का लगातार सहयोग करना है और अपने घर पर ही बने रहना है, अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। क्योंकि इस कोरोना के बाद हम सब जब बाहर आएंगे तो हमें अपने भारत के नव निर्माण में अपना पूरा सामर्थ्य, पूरा योगदान देना है। इसके लिए आवश्यक है कि अभी हम स्वस्थ रहें और अपना पुरजोर जो योगदान है वह लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में और अपने व्यक्तित्व के विकास करने में लगाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता चौधरी पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सप्ताह का अर्थ, परिभाषाएं और सप्ताह पालन के आधार पढ़े। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सप्ताह के रूप। सत्ता, काइंड्स ऑफ अथॉरिटी, सत्ता के रूप, किन किन रूपों में सत्ता हमें किन शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। देखो मित्रों, 12th क्लास के सिलेबस में है मुख्य रूप से सत्ता के जो रूप बताए हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, और मैं अभी 12th के सिलेबस को ही ले रही हूँ। उसके बाद में मैं आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों को मैटर दूंगी। 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सत्ता के जो रूप बताए हैं मैक्स वेबर ने वो यहाँ बताने जा रहे हैं। मैक्स वेबर ने बताया कि सत्ता तीन रूप से मुख्यतः देखने को मिलती है, जो भी यह नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से वह किसी एक रूप में ही होती है, वह मिश्रित रूप में देखने को मिलती है, लेकिन उसके मुख्यतः तीन रूप होते हैं। पहला है परंपरागत रूप, ये मैक्स वेबर के अनुसार है। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे और उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इन्होंने अपनी सत्ता समाजशास्त्रीय परिदृश्य में ही बताई है, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक परिदृश्य में उतने ही प्रासंगिक है इसलिए इसे हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता का जो पहला रूप बताया है वह है परंपरागत सत्ता। जिन बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, बुक्स नहीं है, वो इन नोट्स को कंटिन्यू लेते जाएं और कंटिन्यू नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि जो भी नोट्स मैं दे रही हूँ, जो भी मटेरियल दे रही हूँ अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, और वो कंटेंट वाइज कंटिन्यू आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करता हुआ है। इसलिए आप इनके नोट्स बनाते जाएं और इनको कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मैटर रेडी होता जाए। परंपरागत सत्ता, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, ऐसी सत्ता जो परंपरा पर आधारित है, परंपरा, प्रथाएं और इतिहास। ऐसी सत्ता जो किसी परंपरा, प्रथा या इतिहास का परिणाम होती है और उसका अनुपालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह परंपरागत रूप से चली आ रही होती है। जैसे घर में बड़े बुजुर्गों की सत्ता, वृद्धजनों की सत्ता, राजनीतिक परिदृश्य में ब्रिटेन और भूटान में राजा रानी का पद, सम्राट या सम्राज्ञी का पद, उसे हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं, अपने इतिहास और प्रथाओं का सम्मान करते हैं। तब जब सम्मान की चीज होती है तब हम तर्क और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से कह सकते हैं कि परंपरागत सत्ता में तर्क और बुद्धि संगतता का अभाव होता है और हम इसे केवल इस सत्ता को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि यह परंपरागत रूप से चली आ रही है, यह हमारी प्रथाओं का अंश है और इतिहास, हमारे पूर्वजों ने इसे स्वीकार किया है, तो हम इसे तार्किकता से दूर रहकर ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। मैक्स वेबर ने दूसरी सत्ता बताई है वह है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता यह भी परंपरागत सत्ता की तरह, अपने नाम की तरह, अपने अर्थ का द्योतक है। यह बताती है कि जब किसी शासक का या नेता का व्यक्तित्व करिश्मावादी होता है, चमत्कारिक होता है, उसके व्यक्तित्व गुणों में ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण अधीनस्थ उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह सत्ता करिश्माई सत्ता कहलाती है। जब हम सत्ता पालन के आधार देख रहे थे और सत्ता पालन के आधारों में हम लोगों ने एकरूपता को पढ़ा, जब हम लोगों ने एकरूपता को पढ़ा और विश्वास को पढ़ा, उन दोनों का जो संयुग्मन है वह हमें करिश्माई सत्ता में देखने को मिलता है।
जब जनता उस करिश्माई व्यक्तित्व में अपने विचारों की एक रूपता देखती है और इस करिश्मावादी नेतृत्व के प्रति अपना अगाध विश्वास प्रकट करती है और उसके कहे गए वाक्यों को अनुसरण करने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाती है और तत्पर हो जाती है, ऐसी सत्ता को करिश्माई सत्ता कहा जाता है। यह भी क्योंकि तार्किकता और बुद्धिसंगतता का इसमें भी अभाव होता है और व्यक्ति इसे इसलिए अपना लेता है क्योंकि वह उस व्यक्ति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। यह किसी व्यक्ति का प्रभाव ही होता है कि किसी नेता के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया जाता है और जनता अपने घरों से बाहर निकलकर थाली शंख बजाने लगती है कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के लिए। इसी प्रकार के उदाहरण हमें अनेकों बार देखने को मिलते हैं इतिहास में। नेहरू जी का व्यक्तित्व, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व है कि उनके कहने पर घर के वृद्धजन, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो इस प्रकार की सत्ता करिश्माई सत्ता कहलाती है। और तीसरी सत्ता है, वह है कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता किसी करिश्माई व्यक्तित्व या किसी इतिहास का या परंपरा का परिणाम नहीं होती, यह एक पद विशेष का परिणाम होती है। जब किसी व्यक्ति को पद वैधानिक रूप से प्राप्त होता है और वह उस पद को प्राप्त करके अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तब कानूनी सत्ता कहलाती है। जैसे एक शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण कार्य का संपादन करने के साथ साथ अपनी कक्षा कक्ष या जिस क्लास का वह प्राधिकृत अधिकारी है यानी क्लास टीचर है, उस क्लास को मेंशन करना, उसे संबंधित कार्य करने संबंधी वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। अब इन अधिकारों का प्रयोग करता एक चीज होती है उसके साथ में, जब वह उसे अधिक शक्तिशाली बना देता है, वह तत्व होता है उसका व्यक्तित्व। यदि इस पद पर स्थापित व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रभावशीलता होती है तो वह अपने अधिकारों का विस्तृत रूप में प्रयोग कर लेता है। और यदि इस पद पर स्थापित व्यक्तित्व में कमी होती है या यूं कहें कि अधिक प्रभावशीलता नहीं होती, तो वह उस स्थिति में अपने कानून द्वारा स्थापित की गई सत्ता का अनुगमन ही करता रहता है, उसका अनुसरण ही करता रहता है। और एक व्यक्तित्वशाली व्यक्ति असीम शक्ति का प्रयोग एक पद को प्राप्त करके भी कर सकता है। लेकिन पद जो कानूनी सत्ता होती है, इसके साथ में तार्किकता जुड़ी होती है क्योंकि ये भावनाओं के साथ कार्य नहीं करती। तर्क और बुद्धि के साथ किसी व्यक्ति को सत्ता का आभास करवाती है क्योंकि वह व्यक्ति पद प्राप्त करने के पश्चात ही उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करके वह कानूनी सत्ता का अनुगमन करता है, कानूनी सत्ता का अनुसरण करता है। इस तरह से देखा जाए तो मैक्स वेबर ने कहा है कि प्रचलित शासन व्यवस्थाओं में या ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तब भी तीन प्रकार की सत्ताओं का ही दृष्टिगोचर होता है, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी सत्ता। लेकिन किसी भी शासन व्यवस्था में या इतिहास का काल में किसी भी एक सत्ता का शुद्ध रूप देखने को नहीं मिलता। तीनों सत्ताएं मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संयुग्मित होकर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। तो मित्रों, सारते हम कह सकते हैं कि किसी भी सभ्य समाज की कल्पना बिना सत्ता के नहीं की जा सकती क्योंकि सत्ता ही वह केंद्र बिंदु होता है, वह धुरी केंद्र होता है जो समस्त शासन की व्यवस्था का संचालन करता है और देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने के साथ साथ अधिकारों केंद्रों का सही उपयोग करने का सामंजस्य भी स्थापित करता है। लेकिन सत्ता स्थापित करना या सत्ता प्राप्त कर लेना अपने आप में असीम नहीं है। इस सत्ता पर भी कुछ मर्यादाएं होती है। वे मर्यादाएं होती हैं उस देश में, उस देश या उस देश की शासन व्यवस्थाओं की परंपराओं की, वहां के मूल्यों की, वहां की नैतिक अवधारणाओं की और शासन के संविधान की अर्थात कानून की। इन सीमाओं का अनुपालन करते ही सत्ता अपने कार्य रूप की क्रियान्विति कर सकती है। इसी के साथ ये टॉपिक मैं कंप्लीट करती हूँ। अगले टॉपिक के साथ फिर हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।